पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून आए जो इस जाति व्यवस्था को खत्म कर दे और भारत में जितने भी नागरिक है सब बराबरी के हक के साथ रह पाए। जातिवाद ना खत्म या ना होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? लोगों के अंदर भावना नहीं है। क्या कानून बना देने से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? जाति के आधार पे किसी को घोड़ी पे चढ़ने से ना रोका जाए, जाति के आधार पे किसी को मंदिर में जाने से ना रोका जाए। एक अन्य का आदमी नहीं है, मोदी ने बेटी बेटी बचाओ, बेटी बेटी बचाओ। जाति व्यवस्था जो है, जो धर्म पे आधारित है, उसको खत्म करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां के आंदोलन किया जा रहा है हम भारत के लोग के नारे के साथ, जो है एक पार्टी के द्वारा नारा लगाया जा रहा है। और साफ तौर पर ये जो नारा है और ये आंदोलन है वो जाति को लेकर है कि जातियां देश में खत्म हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं माना जाता है कि हमारा देश जो है वो जातियों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, किस मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? देखिए, आज जंतर मंतर पे आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जाति उन्मूलन आंदोलन के तहत एक दिवसीय धरने प्रदर्शन पे है और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है जो भारत के अंदर हम जातियों के आधार पे बटे हुए हैं और जाति के आधार पे बटे होने के कारण जो आम जनता है उनका विकास नहीं हो पा रहा है, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, वो दिलवाने का प्रयास है। जाति के आधार पे जो जातीय दंगे होते हैं, जाति के आधार पे जो छोटी जातियों को जो है अपमान सहना पड़ता है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये प्रोग्राम है। और पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून आए जो इस जाति व्यवस्था को खत्म कर दे और भारत में जितने भी नागरिक है सब बराबरी के हक के साथ रह पाए। क्या कानून बना देने से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? एक शुरुआत होगी। संविधान में बराबरी का अधिकार है, बराबरी मिला क्या? समझिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, संविधान के अंदर बराबरी का अधिकार है। लेकिन अगर संविधान की अगर बात की जाती और उसको इंप्लीमेंट किया जाता तो SC ST एक्ट जो है, जो बना है, उसको भी बनाने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे ही हमारे को देश की बदलती परिस्थितियों के अंदर जो जाति व्यवस्था जो है, जो धर्म पे आधारित है, उसको खत्म करने की जरूरत है, जिससे सब सम्मान पूर्वक अपने जीवन को जी पाए। जाति के आधार पे किसी की हत्या ना हो, जाति के आधार पे किसी को पानी पीने से ना रोका जाए, जाति के आधार पे किसी को घोड़ी पे चढ़ने से ना रोका जाए, जाति के आधार पे किसी को मंदिर में जाने से ना रोका जाए। ये हमारे प्रयास है। क्या ये कानून बना देने से समस्या का समाधान हो जाएगा या मानसिक तौर पे जो है वो जागरूकता लानी? देखिए, जो फर्स्ट हैंड है, अगर कानून बनता है तो जो तथाकथित अपराधी हैं उनके मन में एक डर होगा, एक भय होगा कि हमें ये चीज नहीं करनी है। और अगर ऐसा हो गया तो हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आज जब कानून आया है तो उनके दिमाग में मानसिक तौर पे भी जो ये चीजें हैं उनको हटाने में हमें मदद मिलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कानून बना देने से जातियाँ खत्म हो जाएगी, जो अत्याचार है वो खत्म हो जाएगा? जो आपको वकील साहब ने बताया, सेम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से देश में जाति व्यवस्था है, क्या कानून बना देने से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? हो जाएगी। अगर संविधान में जो है बराबरी का अधिकार दिया हुआ है तो क्या बराबरी मिल पाता है सबको? नहीं मिल पाता। कैसे खत्म होगा? अपनी पार्टी पीपल सब एक होने से होगा, लोगों से आह्वान करती है, देश सबके एक होने से हुआ। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या जो कानून बना देने से है वो जाति व्यवस्था जो है खत्म हो जाएगी? हाँ, खत्म होनी चाहिए और हमारा संघर्ष चलता रहेगा तो अवश्य खत्म होगी जाति व्यवस्था। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से, बुराड़ी से, बुराड़ी दिल्ली। क्या कुछ जाति को लेकर आप यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं, लेकिन जो है संविधान में
बराबरी का अधिकार दिया गया है। बाबा साहब अंबेडकर ने सबको बराबरी और मौलिक अधिकार में दिया है, क्या जमीनी स्तर पर बराबरी मिलता है? नहीं मिलता जी, नहीं मिलता। तो फिर कानून बनाने से जाति व्यवस्था कैसे खत्म होगी? कानून बनाएंगे, अपनी व्यवस्था बनाएंगे, ये कानून को खत्म करेंगे जातिवाद का, अपना कानून लाएंगे। क्या ये नहीं लगता कि पढ़ाई लिखाई और जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरत है कानून से पहले? हाँ ये भी जरूरत है, पढ़ाई भी जरूरत है, जब भी तो योग्यता होगी तो हमें रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं, जाति व्यवस्था को लेकर साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सिर्फ कानून बना देने से जो है देश में जातियाँ खत्म हो जाएंगी? ये एक पहल है, कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन जो देश में लोगों के मन में दुर्भावना घर बनाए हुए है उसको खत्म करना एक दिन में तो हो नहीं सकता, उसके लिए हम सबको मिलकर के पहल करनी होगी। अगर कानून बन जाता तो धीरे धीरे जब आने वाली जनरेशन है उसके दिमाग में ये बात रहेगी नहीं। अगर ऐसी भी क्वेश्चन यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, जब जातियाँ ही खत्म, आप दूसरे देश में जाकर के देख ली, किसी भी कंट्री में वहाँ कोई जाति नहीं है, वहाँ गरीब और अमीर या ब्लैक या गोरा जो भी है इस तरह का वहाँ पर सिस्टम है। लेकिन हमारे भारत वर्ष में 6,743 जातियाँ में इस देश को बांट दिया गया, जो बहुजन है उनको जातियों में बांट दिया गया, और जो बाकी तीन वर्ण रह गए ऊपर ब्राह्मण राजपूत और वैश्य समाज, इन्होंने देश के सभी संस्थानों पे कब्जा कर लिया। अभी मैं इस मूवमेंट में शामिल था, एक उपाध्याय जी ने अपना वक्तव्य दिया कि अभी जाति व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। मैंने उससे पूछा क्यों, कहता फिर लेबर कहाँ से लेके आएंगे? अरे भाई जिसको काम चाहिएगा वो तो काम के लिए आएगा, उसको अपना पेट भरना है, उसका जाति से क्या संबंध है? नहीं, कहता नहीं अभी नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए कास्ट अबोलिशन एक्ट बिल लेके आए, इससे आने वाले भारत वर्ष का नया जन्म हो और वो देश की राष्ट्रीयता और उसके विकास में जो ना मील का पत्थर साबित होगा। एक और शोषण होता है, गरीबी और अमीरी के नाम पर भी शोषण होता है, उसका तो देखो होता है, लेकिन उसका भी प्रावधान है। जो किसी को मैं मान लो मैं किसी को तंग करता हूँ तो कानून तो है ना मुझे सजा देने के लिए, लेकिन याद कास्ट के नाम पे ही इतना ज़्यादा वो है प्रताड़ना, किसी को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, किसी को जो है ना मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, गरीब आदमियों के बच्चियों का बलात्कार कर देते हैं। अब आपने देखा होगा यूपीए की सरकार में निर्भया कांड हुआ था जी, बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप बताइए? मैं बोल रहा हूँ ये 93 साल उम्र हो गई है मेरी, मैंने ये जातिवाद ना खत्म हुआ ना होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? लोगों के अंदर भावना नहीं है, जो हमारे से ऊंचे है ना वो अपने आप को ऊंचा ही मानते हैं और हमें नीचा समझकर वो इसे मिटाएंगे नहीं, किसी हालत में नहीं मिटाएंगे। कहा तो जा रहे कि कानून बन जाएगा उसका, जो बना तो कानून तो बन जाएगा, लेकिन वो जो दिल की उनकी वो है ना वो नहीं जाएगी अंदर से, जो है वो नहीं जाएगी, जाती नहीं जाएगी। तो क्या उपाय है, कोई उपाय है इसको खत्म करने का? उसका उपाय एक ही है, अगर जहाँ भी ये बात को देखा जाए उसे दंडित किया जाए, दंडित किया जाए, बुरा ना मानना। एक हमारी लड़की के साथ बुरा भला होता है, समझे? अच्छा, उस अगर आदमी को उसी टाइम सजा से ऐसा ना कर दिया जाए कि जो आगे कर ना सके तो 10 आदमी सुधर जाएंगे, और जब उसे सजा ही नहीं मिलती कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। मैं ये क्यों नहीं मिल पाती सजा है? टाइम से समय से सजा क्यों नहीं दी जाती, क्या दिक्कत है? जातिवाद ही उसका, वो बड़े लोग हैं उनके दोनों पैसा है, वो अपने को नहीं आगे जाने देते, हम लोगों को दबा दिया जाता है, हम पे ही आखिर माफ़ी मांगी जाती है, माफ़ी मांगो गलत कह रहे हो तुम, ये हमने खूब देखा बेटा 93 साल में मैंने खूब देखा। मेरे गांव में एक घटना हुई थी आपको बताऊं, उसी समय उन लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया था जिन्होंने घटना की थी लड़की के साथ, आज तक मेरे गांव में कोई दूसरी घटना हुई नहीं, अगर उन्हें सजा मिल जाए तो ये घटना खत्म ही हो जाएगी जो जातिवाद का धंधा करते हैं।
बेटा। मोदी को कहा जाता है सुरक्षित सुरक्षित हाथों में देश है, मोदी सबसे अच्छा है, संविधान का पालन करने वाला, कानून व्यवस्था वाला है। अन्य का आदमी नहीं है मोदी ना। बेटी बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या उसके घरवाली किसी की बेटी नहीं है क्या? वो यहाँ पहलवानों का धड़ा से लिया हुआ था, वे भी किसी की बेटियाँ थी। वो तो किसी की सेवा था ना करके, मतलब पार्टी बीजेपी की और उसकी शाखाएं कोई बजरंग दल, शिवसेना, हिंदू परिषद ऐसे बांट के, और जब हिंदू धर्म पर कोई आँच आती है ना, जैसे ये 31 तारीख में वहाँ झगड़ा हुआ था, मैं उसमें ईब नू कहता है कि सारे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अरे जब तुम करने वाले तो करो, जब तक नाक तो ले गए सरताई टिक्का लगा रहे हो, करो तुम अपने आप। जब देश में संकट आवा है, जब तक सारे हिंदू इकट्ठे हो जाओ, फिर कोई नहीं पूछता। अब इनका टाइम आ गया है इनका, ये जितने भी झूठ बोलने वाले हैं 2024 में जाएंगे, 2024 में ये देश को देश छोड़कर भाग जाएंगे। ये जो तड़ी पार है ये भी भाग जाएगा, और जो ये मोदी है ये भी भाग जाएगा। हाँ, ये तो मौके बाहर भाग जाएगा, जैसे गुजरात के जितने भी पैसे लूट लूट के विदेश भाग गए ना, ये भी भाग जाएगा। ये यहाँ नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, ना रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। इन्हें अपने देश में पैट बना लिया, दूसरे देशों में अपनी पैट बना लिया इसने, ये कभी नहीं। वो तो कहते हैं कि देश का विकास कर रहे हैं, हैं? देश का विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास किया मुझे बता दो, कौन सा विकास किया? हमेशा की हमेशा अपना विकास कर रहा, सिर्फ अपना विकास कर रहा। क्या मैंने अभी आपको बताया था, क्या इसके घरवाली किसी की बेटी नहीं है? वो पढ़ी लिखी नहीं थी? जवाहरलाल की बहन है, बेटी पढ़ी हुई थी, सब कुछ कर दी उन्होंने, बिरादरी एकदम खत्म कर दी। जैसे मणिपुर चल रहा है, वहाँ जो वहाँ औरतों के साथ वो होया, क्या इन्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए था? जब इनकी सरकार वहाँ है, गवर्नर इनका है, मुख्यमंत्री इनका है, क्या की डबल इंजन सरकार है? ये सोचते हैं अगर इस देश में आग लगाया जाओ और अपना मतलब काटे जाओ, तब ना सब ऐसा इकट्ठा हो जाएगा, समझा? इसकी नीति यही है, जगह जगह इन्हें मंदिर बना दिए, अपने आदमी बैठा दिए, पैसा इकट्ठा होगा, अपना मौज होगी। ये भी ना पता लगेगा ना कि आगे अगमेवात में क्या होया है, अच्छी तरह और होगा, अच्छी तरह करके देख लो। ये अब ये फ्रांस में गया, फ्रांस में हमारे देश में बाढ़ आ रही थी, बुरा हाल था, ये अपनी तारीफ कर रहा, मची बैठा हुआ, क्योंकि मुझे वहाँ विदेश में बहुत बड़ा इनाम मिला है, बहुत बड़ा। अपने देश का पता नहीं उसका क्या, यहाँ लाल किले में पानी भर गया, गांधी की जयंती पर पानी भर गया, अपने गीत गा रहा, सिर्फ अपना बढ़ाता भी रहा, और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपना। तो ये साफ तौर पर जो है आम जन की आवाज़ है, आम जनता है ये जो लोग बोल रहे हैं, और पूरी तरीके से जो है डबल इंजन की सरकार जो है, मोदी की सरकार जो है, वो जो कहा जाता है कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है, मोदी जो है सबसे बड़ा देशभक्त जिसे कहा जाता है और प्रचारित किया जाता है, उसकी सरकार जो है पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है। जब ज़मीनी स्तर पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि जितनी प्रचारित किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है इस सरकार को ज़मीनी स्तर पर, उतनी ही डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप होती नज़र आ रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।